इधर पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह अब नए आर्मी चीफ के रूप में आसिम मुनीर ने गद्दी संभाल ली है। तो उधर भारत ने भी तैयारी कर ली है अपने दुश्मनों को उड़ाने की। जी हाँ, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के नाम की जैसे ही घोषणा हुई तो भारत ने भी अपनी अग्नि 3 मिसाइल को आसमान में दाग दिया। हालांकि ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ हो, लेकिन इस परीक्षण को देखते ही पाकिस्तान समेत चीन के भी होश उड़ गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है यह अग्नि मिसाइल 3, कैसे काम करती है ये मिसाइल, और सबसे बड़ी बात कि क्यों चीन और पाकिस्तान इसके मात्र परीक्षण भर से ही कांप उठे। ओडिशा के अब्दुल कलाम विलर आइलैंड पर अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 11 साल हो चुके हैं इस मिसाइल को सेना में शामिल किए हुए। ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबेरिक हथियारों से भी ये हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV जैसी ही समान टेक्नोलॉजी है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गति है, लेकिन उससे पहले हम इसकी रेंज की बात करते हैं। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5 हजार किलोमीटर बताई जाती है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3 से 5 हजार किलोमीटर की रेंज यानी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद में है। यानी आप चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूरी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3,791 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से बीजिंग की दूरी महज 12.5 मिनट में पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 679 किलोमीटर है। यहाँ तो अग्नि 3 मिसाइल मात्र 2.5 मिनट में ही तबाही मचा देगी। अग्नि 3 मिसाइल की गति मैक 15 है, यानी 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा। यह बेहद ही डरावनी गति है, यानी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। इस गति में उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को सांस लेने या पलक झपकाने तक का मौका नहीं देती। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। कहते हैं कि एक अग्नि 3 मिसाइल बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसे 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्ट्रॉन लॉन्चर से छोड़ा जाता है। अग्नि 3 मिसाइल समेत भारत के पास जितने भी परमाणु हथियार हैं, उन पर नीति एकदम साफ है। हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अग्नि सीरीज की मिसाइलों से सेकंड स्ट्राइक की क्षमता बढ़ जाती है। अग्नि 3 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। ये 1-2 स्टेज वाली मिसाइल है जो सॉलिड ईंधन से उड़ती है। आमतौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक में सॉलिड ईंधनों का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा गति मिलती है। अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की है। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल कहते हैं। यह मिसाइल आसमान में अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी दुश्मन के सैटेलाइट्स को मारने की क्षमता भी इसमें है, अगर सैटेलाइट को टारगेट बनाया जाए तो। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी यह मिसाइल उड़ते वक्त बीच में अपना रास्ता भी बदल सकती है। उड़ते समय ही यह इंफ्रारेड होमिंग, रडार सीन कोरिलेशन और एक्टिव रडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करती है। यानी दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे, उसकी मौत तो पक्की है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, लेकिन वो असफल था। मिसाइल टारगेट से पहले ही गिर गई थी। इसके बाद अग्नि 3 मिसाइल को सुधारा गया। 2007 में फिर से परीक्षण किया गया और फिर टारगेट की धज्जियां उड़ गई। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइल में सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और तेज गति की मिसाइल है। इसमें आप परमाणु बम भी लगा सकते हैं, आग उगलने वाले थर्मोबेरिक हथियार भी लगा सकते हैं। साल 2010 में इसका फिर से परीक्षण किया गया था, तब भी इसने अपने टारगेट पर सटीकता के साथ हमला किया था। इस मिसाइल पर 2490 किलोग्राम वजनी हथियार तैनात किया जा सकता है। साल 2013, 2015, 2017 में भी इसके सफल परीक्षण हो चुके हैं। तो देखा आपने, इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं और ये बात दुश्मन देश भी जानते हैं, तभी तो उनकी जान हलक में अटकी हुई है। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के नाम की घोषणा हुई, तभी भारत ने इस अग्नि 3 मिसाइल को छोड़ दिया, तो उनकी जान तो और ज्यादा हलक में अटक गई। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।